हेलो दोस्तों, तो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे डिजाइन ऑफ सर्कुलर टैंक विथ रिजिड बेस। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जब सर्कुलर टैंक का जो बेस है वो फ्लेक्सिबल होगा तो उसको डिजाइन कैसे करते हैं, तो आज हम देखेंगे कि जब हमारा बेस जब है वो रिजिड है तो उसके डिजाइन में क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारा रिजिड बेस होता क्या है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा सर्कुलर टैंक है जिसको हमने h हाइट तक रिस्टेन कर दिया है, ठीक है। तो फिर ये जो है इसका बेस रिस्टेन हो गया है जिसके कारण इसमें शियर फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट, ये सारे फोर्सेस भी आएंगे और उसके इफेक्ट को भी हमको डिजाइनिंग में कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये रिस्टेन होने के कारण बेस से एज ए कैंटिलीवर बिहेव करता है जो हमारा टैंक है। कैसे? जैसे कि ये हमारा कैंटिलीवर है, ये इस एंड से फिक्स है, ठीक है, ये जो ब्लू दिखाया मैंने, और ये जो है ये हमारा बीम है, ये फ्री एंड ऑफ बीम है, ठीक है। तो इसमें जो भी मूवमेंट आते हैं वो फिक्स एंड में आते हैं कैंटिलीवर में। वैसे ही अगर हम इसको सिमिलरली टिल्ट कर दें, ठीक है, ये हमारा फिक्स एंड है और ये जो है टैंक का वो है फ्री एंड, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं कि ये दोनों है सिमिलर बिहेव कर रहे हैं, मतलब कि जो हमारा जो टैंक है वो एज अ कैंटिलीवर बिहेव कर रहा है। तो इसको हमने एच हाइट तक जो है रिस्टेन कर दिया है, तो ये हमारा फिक्स्ड एंड है, तो इसमें हमारे कैंटिलीवर मूवमेंट जनरेट होगा। और जो हमारा एच माइनस एच हाइट है, ठीक है, एच माइनस एच हाइट है, वो नॉर्मली एज ए फ्लेक्सीबल बिहेव करेगा। तो फ्लेक्सीबल में हमने देखा था कि उसमें जो मैक्सिमम टेंशन हुप था वो कितना था, गामा डब्ल्यू एच इंटू डी बाई टू का हमारा मैक्सिमम टेंशन आ रहा था हुप में। तो फिर हमारा जब रिजिड बेस रहेगा तो फिर कितना टेंशन आएगा, तो ये जो ऊपर का पोर्शन है h माइनस h का जो हाइट है वो तो एज ए फ्लेक्सिबल बिहेव कर रहा है, तो उसका उसमें जो टेंशन आएगा वो सिमिलर होगा फ्लेक्सिबल बेस में जितना आएगा। तो इसमें जो टेंशन का फॉर्मूला हो जाएगा, बस इसमें हाइट वेरी हो जाएगा। यहाँ पे h था, पूरे h हाइट तक ये फ्लेक्सिबल था, लेकिन ये इसमें h माइनस h हाइट तक फ्लेक्सिबल है, तो बस इसमें हम h को h माइनस h से रिप्लेस करेंगे और ये हमारा फॉर्मूला होगा रिजिड बेस के लिए, ये हुप टेंशन जनरेट कितना होगा। तो हमारा जो स्मॉल h हाइट तक है उसमें कैंटिलीवर मूवमेंट आएगा और जो हमारा h माइनस h हाइट है उसमें क्या आएगा, हुप टेंशन आएगा। ये किसके कारण आएगा, वाटर के कारण आएगा, ठीक है, जो हमारा h माइनस h हाइट में वाटर के कारण हुप टेंशन आएगा, और जो स्मॉल h हाइट है उसमें वो हमारा फिक्स्ड है तो उसमें हमारा कैंटिलीवर मूवमेंट जनरेट होगा जैसे कि हमारा कैंटिलीवर में होता है। तो चलिए हम इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं। डिजाइन अ सर्कुलर टैंक विथ अ रिजिड बेस फॉर अ कैपेसिटी ऑफ 4 लाख लीटर्स, द डेप्थ ऑफ वाटर इज टू बी 4 मीटर इंक्लूडिंग अ फ्री बोर्ड ऑफ 200 mm, यूज M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। सिमिलर क्वेश्चन हमने फ्लेक्सिबल बेस में भी लिया था, यहाँ पे हम रिजिड बेस के लिए इसको डिजाइन करेंगे, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा इसमें कि रिजिड बेस दिया हुआ है या फिर फ्लेक्सिबल बेस दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिजाइनिंग से पहले हमको डायमेंशन के बारे में पता होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि डेप्थ ऑफ वाटर हमको कितना दिया हुआ है, डेप्थ ऑफ वाटर हमको दिया नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या है कि हमारा जो डेप्थ ऑफ वाटर इज टू बी 4 मीटर इंक्लूडिंग अ फ्री बोर्ड ऑफ 200 mm, तो ये इंक्लूड करके हमको जो डेप्थ दिया है वो दिया हुआ है, मतलब कि फ्री बोर्ड को इंक्लूड करके दिया हुआ है, मतलब ये टोटल डेप्थ ऑफ टैंक हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो जो हमारा एच हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा, और फ्री बोर्ड है हमारा वो 0.2 मीटर का है, मतलब कि एच डैश मान लेते हैं, एच डैश हाइट तक हमारा वाटर फिलअप है, ठीक है, और उसके बाद जो खाली स्पेस है वो हमारा फ्री बोर्ड है जो कि 0.2 मीटर का दिया हुआ है हमको। तो हम डेप्थ ऑफ वाटर निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, 4 माइनस 0.2 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक मिल जाएगा। तो फिर वॉल्यूम ऑफ टैंक हमारा क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू जो हाइट है वाटर का वो, तो हमारा 3.8 मीटर लेंगे हम। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि हमको डेप्थ ऑफ टैंक नहीं लेना है, डेप्थ ऑफ वाटर लेना है, क्योंकि हम इसको कैपेसिटी से इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारा कैपेसिटी होता है वो क्या होता है कि कितना टैंक में वाटर आ सकता है, ठीक है, वो हमारा कैपेसिटी होता है। तो इसमें हम हाइट ऑफ वाटर को लेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे फॉर्मूले में एच डैश के जगह 3.8 पुट करके हम वैल्यू निकालेंगे, मीटर क्यूब को
लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करके, तो ऐसे हमारा डायमीटर आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डिजाइन कांस्टेंट। जैसे कि हम डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें कुछ कांस्टेंट हमको आगे यूज होने वाले हैं, तो उसको हम पहले ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट कांस्टेंट होगा वो है मॉड्यूलर रेशियो। मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है, 280 अपॉन 3 टाइम ऑफ सिग्मा सीबीसी। सिग्मा सीबीसी का जो क्या होता है हमारा, परमिसिबल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट इन बेंडिंग में हमारा होता है, ठीक है। तो इसका M20 के लिए IS कोड के हिसाब से क्या वैल्यू दिया हुआ है, 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया हुआ है, ये आपको पेज नंबर 81 में दिख जाएगा। और सिग्मा एसटी जो होता है हमारा, ये जो होता है सिग्मा एसटी का वैल्यू 115 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है टैंक के लिए, जब हमारा जो ग्रेड ऑफ स्टील रहेगा वो 250 रहेगा, ठीक है, Fe 250 के लिए। और Fe 415 रहेगा या फिर 500 रहेगा, तो उसके लिए हमको क्या लेते हैं, सिग्मा एसटी का वैल्यू 150 लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी ग्रेड ऑफ स्टील नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम अज्यूम कर रहे, यहाँ पे हमको ग्रेड ऑफ स्टील नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 250 कंसिडर करके चलते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डिजाइन कांस्टेंट होगा वो होगा के। के कैसे निकालते हैं, मॉड्यूलर रेशियो इनटू सिग्मा सीबीसी अपॉन मॉड्यूलर रेशियो इनटू सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एसटी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, हम बस डायरेक्ट पुट कर देंगे जो सारी वैल्यूज ऊपर से, तो हमारा जो वैल्यू आएगा 0.442 आएगा। और जो जे है हमारा नेक्स्ट डिजाइन कांस्टेंट, 1 - K/3, के का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो इससे हमारा जे का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डिजाइन कांस्टेंट है वो है आर, ठीक है। आर हमारा क्या होता है, हाफ ऑफ सिग्मा सीबीसी इंटू के इंटू जे, ठीक। ये क्या, इसमें भी हम पहले से जो निकाले हैं वही पुट करेंगे, तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा 1.32 न्यूटन पर mm स्क्वायर। के और जे का कोई यूनिट नहीं होता है, सिग्मा सीबीसी हमारा परमिसिबल स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस का ही यूनिट होगा, जो इसका फाइनल यूनिट होगा आर का वो क्या होगा, 1.32 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जैसे कि हम लोग यहाँ पे कैंटिलीवर मूवमेंट जो है निकालेंगे फिक्स्ड एंड में जो टैंक है उसमें, तो उसके लिए पहले हमको जो स्मॉल एच है उसकी वो कितना है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हम स्मॉल एच कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए जो हमारा एच स्क्वायर अपॉन डी टी है, ठीक है, इसमें एच स्क्वायर क्या है, जो हमारा हाइट है, ठीक है, हाइट ऑफ टैंक 4 × 4, डायमीटर 11.7, और ये जो टी है, टी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 30H + 50 जो होता है वो हमारा टी का वैल्यू होता है, ये हमारा जो होता है एमएम में होता है। तो हाइट हमारा 4 है और 50, तो ये हमारा एमएम में आएगा, तो ये 0.17 मीटर आ जाएगा। तो अगर एच स्क्वायर अपॉन डी टी का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 12 आता है, तो हमारा जो स्मॉल एच का जो वैल्यू है वो एच बाई 4 होता है, ठीक है। और अगर एच स्क्वायर अपॉन डी टी का जो वैल्यू है वो बिटवीन 6 और 12 आता है, तो जो हमारा एच का जो वैल्यू है हमारा कितना आता है, एच अपॉन 3 आता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा एच स्क्वायर अपॉन डी टी का जो वैल्यू है वो 8 आ रहा है, मतलब कि ये 6 और 12 के बीच में है, मतलब कि जो हमारा एच का वैल्यू होगा वो एच बाई 3 होगा, तो फिर इससे हमको स्मॉल एच का वैल्यू 1.33 मीटर हो जाता है। यहाँ पे हमको ये भी देखना पड़ता है कि जो हमारा स्मॉल एच का जो वैल्यू है अगर 1 से छोटा आता है तो हम उसको 1 कंसिडर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर स्मॉल एच का वैल्यू यहाँ पे जो एच बाई 3 या फिर एच बाई 4 जो भी हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग आएगा, और 1 जो भी ग्रेटर होगा उसको हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। अगर वो 1 से ज्यादा होगा तो हम उसको लेंगे, अगर जो वैल्यू होगा स्मॉल एच का वो 1 से कम होगा तो हम 1 को ही लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं डिजाइन की ओर, डिजाइन ऑफ सेक्शन फॉर कैंटिलीवर एक्शन, मतलब कि जो हमारा जो फिक्स एंड है, ठीक है, वो एज अ कैंटिलीवर बिहेव कर रहा है, तो उसको हमको एज अ कैंटिलीवर, उसमें हमको जो जितने भी कैंटिलीवर मूवमेंट आएंगे जो उसके फिक्स एंड में है उसको हमको निकालना पड़ेगा। तो डिजाइन ऑफ सेक्शन फॉर अ कैंटिलीवर एक्शन, यहाँ पे जो हमारा टैंक दिया हुआ है जिसका हाइट h है, स्मॉल h है, जिसमें हम इसको रिस्ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके बेस पे कितना प्रेशर आएगा, गामा डब्ल्यू h आएगा, क्योंकि जो हाइट ऑफ टैंक है वो h है, ठीक है। तो इसके कारण, ठीक है, फिक्स एंड के कारण जो मूवमेंट जनरेट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि हम मूवमेंट निकालेंगे तो तभी तो उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे बार प्रोवाइड करेंगे, कितने नंबर ऑफ बार आएंगे, कितना उसका एरिया होगा, ये सब डिजाइनिंग हम करेंगे। तो सबसे पहले हम मूवमेंट निकालते हैं कि हमारा जो बेस है उसमें कितना मूवमेंट आ रहा है, तो मूवमेंट
कैसे निकालते हैं, एरिया इंटू सी जी, ठीक है, मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू सी जी। हम किस एरिया की बात कर रहे हैं, जो हमारा जो एच हाइट तक, ठीक है, टैंक का जो एरिया है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, उसकी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया देखेंगे। तो यहाँ पे गामा डब्ल्यू इंटू एच जो होगा प्रेशर लग रहा है, और कितने हाइट तक लगेगा, स्मॉल एच तक, तो इसका जो एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस हमारा गामा डब्ल्यू एच इंटू स्मॉल एच, ठीक है। और हमारा जो सी जी होगा, हमारा जो सी जी होगा वो मान लीजिए वो यहाँ पे है, इसका जो हाइट रहता है वो कितना होता है, बेस से एच बाई थ्री होता है, ठीक है, और ये जो हाइट होता है बेस से वो एच बाई थ्री होता है। अगर हमको इधर से लेना रहता है तो ये टू एच बाई थ्री होता है, ठीक है, लेकिन ये जो बेस रहता है हमारा उससे जो ये सी जी का जो डिस्टेंस होता है वो एच बाई थ्री होता है। तो हम यहाँ पे एच बाई थ्री लेंगे। गामा डब्ल्यू हमारा होता है 9.8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है, तो हम यहाँ पे न्यूटन में पुट कर रहे हैं। हाइट ऑफ टैंक हमारा ये है और स्मॉल एच की वैल्यू हम देख चुके हैं 1.33, तो हमने पुट कर दिया यहाँ पे, तो हमारा जो मूवमेंट आएगा हमारा 11556.81 आएगा। तो फिर इसको हम अप्रॉक्स ले रहे हैं, बढ़ा के ले रहे हैं, ताकि हमारा जो डिजाइन हो वो सेफ हो, ठीक है। हम ज्यादा मूवमेंट कंसिडर करके डिजाइन करेंगे तो हमारा जो डिजाइन होगा वो ज्यादा सेफ आएगा। तो फिर हमारा जो मूवमेंट है ये है, यहाँ से हम यूनिट से एक बार देख सकते हैं कि इससे हमारा जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा, ये किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, ठीक है, और ये हाइट, ये हाइट, ये और ये हाइट, तीन हाइट है, मतलब कि ऊपर में मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब कट के हमारा क्या दे रहा है, किलो न्यूटन दे रहा है, या फिर थाउजेंड से मल्टीप्लाई करके सिर्फ न्यूटन आ रहा है। तो ये मूवमेंट है हमारा, तो मूवमेंट हमारा क्या होता है, किलो न्यूटन मीटर में या फिर न्यूटन मीटर में होता है, तो इसलिए हम मीटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। और यूनिट यूनिट विथ कंसिडर करके हमारा जो मूवमेंट आएगा वो मूवमेंट पर यूनिट विथ हम निकाल ले रहे हैं, ठीक है। मूवमेंट पर यूनिट विथ कितना आ रहा है अपना 11600, हमारा जो है मूवमेंट पर यूनिट विथ आ जा रहा है, ये क्या है, न्यूटन मीटर में आ रहा है हमारा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि मूवमेंट हमारा आ चुका है, तो इसके बाद इसका यूज करके हम थिकनेस ऑफ वॉल निकाल सकते हैं कि हम वॉल का थिकनेस कितना प्रोवाइड करें। इसके लिए हमको फॉर्मूला गिवन है, d इज इक्वल टू अंडर रूट m अपॉन b इंटू r, ठीक है। तो मूवमेंट का वैल्यू हम पुट कर दिए हैं और विथ हम यहाँ पे यूनिट कंसिडर करके चल रहे हैं, और r का वैल्यू हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं डिजाइन कॉन्स्टेंट में, तो 1.32। यहाँ पे भी आप यूनिट देख लीजिए, मूवमेंट का यूनिट हमारा न्यूटन मीटर में ये आया था 1 मीटर, और ये न्यूटन अपॉन एमएम स्क्वायर हमारा जो है आर का यूनिट आता है, परमिसिबल स्ट्रेस का जो यूनिट होता है मैंने आपको बताया था। तो इसको सॉल्व करने से हम देखते हैं कि जो इसका यूनिट है वो एमएम आएगा, जो कि हमारा डेप्थ का यूनिट होता है, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा 94 mm square। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने यूनिट पूरा प्रोवाइड कर दिया है ताकि आप अच्छे से देख लें, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो थिकनेस है वो 94 mm आ रहा है, तो इसमें कवर प्रोवाइड करते हैं हम 35 mm का, तो हमारा जो टोटल थिकनेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 130 mm, ठीक है। ये हमारा इफेक्टिव आ रहा था, इफेक्टिव थिकनेस ऑफ द वॉल आ रहा था, ठीक है, और ये हमारा क्या है, टोटल थिकनेस ऑफ द वॉल। इफेक्टिव में से हम कवर को प्लस करते हैं तो हमारा टोटल थिकनेस आ जाता है। तो इसमें भी हमको आईएस कोड में गिवन है कि जो ये दोनों में से फर्स्ट सेकेंड और जो हमारा थिकनेस आ रहा है, ये तीनों में से हमारा जो मैक्सिमम होगा उसको हम एज ए थिकनेस कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, 150 से, और एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है 30h+50, ठीक है। ये तीनों में से जो मैक्सिमम आएगा उसको हम कंसिडर करेंगे, तो 30h+50, तो इसमें भी हाइट ऑफ टैंक को हम पुट कर देंगे तो हमको 170 मिल रहा है, मतलब कि हम 170 mm एज ए थिकनेस कंसिडर करेंगे। और ये जो आएगा, ये हमारा ये जो गिवन है, ठीक है, ये टोटल थिकनेस हमको गिवन है 150 और ये 170, ठीक है। और यहाँ से हम निकाले वो इफेक्टिव थिकनेस था, इफेक्टिव थिकनेस में हम कवर ऐड करके हम टोटल थिकनेस निकाल लिए, और ये दोनों भी टोटल थिकनेस है, तो इन तीनों को कंपेयर किए हम, तो हमको जो मिला है वो टोटल थिकनेस मिला है, जो मैक्सिमम होगा वो, तो हमारा क्या है 170 mm का हमारा टोटल थिकनेस है। अब इसमें हम अगर हमको इफेक्टिव थिकनेस निकालना है, तो हमारा इफेक्टिव थिकनेस हमारा कितना हो जाएगा, कवर से हम माइनस कर देंगे तो हमारा जो इफेक्टिव थिकनेस हो जाएगा वो 170 - 35, तो ये हमारा जो रहेगा थिकनेस आ जाएगा वॉल का, इफेक्टिव थिकनेस ऑफ द वॉल हमारा फाइनल क्या होगा 135 mm हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब हम
कैंटिलीवर में देखते हैं, जैसे कि हम मूवमेंट निकाल चुके हैं, डेप्थ ऑफ वॉल भी निकाल चुके हैं, ठीक है, अब जो मूवमेंट आ रहा है उसको रजिस्ट करने के लिए कितना एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर है हम वो निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला है ST इज इक्वल टू एम अपॉन सिग्मा ST इंटू JD, ठीक है। सिग्मा ST जो है हमको पता है 115 होता है, मूवमेंट का भी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक है, और ये जो है हमारा J का भी वैल्यू हमको पता है और ये भी हमको पता है, ठीक है। तो फिर इससे हम देखते हैं कि न्यूटन मीटर हमारा जो 11600 था, ठीक है, वो न्यूटन मीटर था, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं न्यूटन मीटर था, और यहाँ पे हम AST निकालना है हमको, हमारा ये न्यूटन मीटर था 11600, तो उसको हमने MM में कन्वर्ट किया मीटर को, तो इसलिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया है, बाकी J और D के एज इट इज वैल्यू पुट कर दिया है, सिग्मा ST 115 है। तो यहाँ पे आप यूनिट से भी देख सकते हैं कि जो हमारा यूनिट होगा ST का वो MM स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है, तो 876 MM स्क्वायर। अब हम 12 MM का बार यहाँ पे अगर प्रोवाइड करते हैं तो फिर उसके हिसाब से जो हमारा स्पेसिंग होगा वो कितना आएगा, एरिया अपॉन ऊपर में जितने डायमीटर के बार का जो एरिया है, ठीक है, हम 12 MM डायमीटर का बार प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका जो एरिया है 113 आ रहा है, तो उसको हम रखें, ठीक है, इनटू 1000 अपॉन जो कितना एरिया हमको रिक्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 876 MM स्क्वायर का एरिया प्रोवाइड करना है, तो इसके हिसाब से हमारा जो स्पेसिंग है वो 129 MM का आ रहा है, ठीक है। स्पेसिंग का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था क्या होता है, कि कितने MM डायमीटर बार का हमको प्रोवाइड करना है उसका एरिया मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन जितना हमको रिक्वायर है एरिया, ठीक है। तो ये 876 का रिक्वायर है, तो इससे हम देखते हैं कि हम प्रोवाइड कर सकते हैं 12 MM डायमीटर का स्पेसिंग, हम कम ले सकते हैं क्योंकि ये हमारे सेफ्टी के लिए सही है। तो 120 MM सेंटर टू सेंटर, ठीक है, और ये हम कब तक करेंगे प्रोवाइड, 1.33 MM हाइट तक, ठीक है, 1.33 मीटर हाइट तक या फिर 1.4 मीटर। ये हमारा क्या हाइट आया था, स्मॉल एच आया था 1.33, जिसमें हम कैंटिलीवर जो एक्शन है, ठीक है, 1.33 मीटर तक हमारा कैंटिलीवर एक्शन है, तो हम उतने हाइट तक इतना एमएम का बार इतने एमएम स्पेसिंग में हम प्रोवाइड करेंगे। अब उसके आगे का देखते हैं, ठीक है, 1.33 मीटर के ऊपर हम कैसे डिजाइन करेंगे, तो उसमें जैसे कि हम जानते हैं कि वो एज ए फ्लेक्सिबल बिहेव करेगा, तो उसमें क्या आएगा, हमारा हुप टेंशन आएगा, ठीक है, उसमें हुप टेंशन आएगा, तो उसको कैसे डिजाइन करते हैं, डिजाइन ऑफ सेक्शन फॉर अ हुप एक्शन। तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या होता है, गामा डब्ल्यू इंटू एच माइनस एच इंटू डी बाई टू, मैंने बता चुका है आपको, तो ये न्यूटन में ये हो जाएगा, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारा जो टेंशन का वैल्यू होगा वो इतना आएगा, ठीक है, क्योंकि ये न्यूटन में आएगा क्योंकि इसको हमने न्यूटन में पुट किया है, और इस अब यहाँ पे हमको टेंशन मिल गया है तो उसके अकॉर्डिंग हमको डिजाइन करना पड़ेगा बार को। तो फिर उस टेंशन को रजिस्ट करने के लिए ये जो मैक्सिमम हुप टेंशन है, ठीक है, हुप टेंशन मतलब कि जो सर्कुलर बार है उसमें कितना स्ट्रेस आ रहा है वो हमारा हुप टेंशन कहलाता है, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ हुप मतलब कि कितना एरिया ऑफ हुप रिक्वायर होगा इतने टेंशन को रजिस्ट करने के लिए, तो इसको कैसे निकालते हैं, टी अपॉन सिग्मा ST से निकालते हैं, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा इतना आएगा, ठीक है, 1330 मीटर स्क्वायर। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कि हमको कितने नंबर ऑफ बार चाहिए, ठीक है, एरिया ऑफ हुप्स तो निकल गया, उसके अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ बार निकालेंगे और उनके बीच का स्पेस ही निकालेंगे। तो जैसे कि हम फ्लेक्सिबल वाटर टैंक में देख रहे थे कि जो हमारा AST था वो हम एक सिंगल साइड प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है, बीच में दोनों फेस के बीच में हम प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन जब हम रिजिड के लिए डिजाइन करते हैं तो जो वॉल रहता है, ठीक है, उसमें हम दोनों साइड प्रोवाइड करते हैं, दोनों फेस के साइड, तो हमारा जो AST होगा वो हाफ हो जाएगा, 1330/2, तो इतना AST होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे कि हमको कितने डायमीटर का बार कितने स्पेसिंग में प्रोवाइड करना है, तो हम यहाँ पे लेते हैं कि 12 MM डायमीटर का बार यूज करते हैं हम, मतलब कि रिंग्स जो हुप है हमारे सर्कुलर है तो हम रिंग्स यूज करेंगे जो, तो फिर वो कितना आएगा, उसका जो स्पेसिंग होगा वो 1000 इंटू जो इसका एरिया होगा 12 MM डायमीटर का, पाई बाई फोर डी स्क्वायर, पाई बाई फोर
12 स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 113 आ जाएगा, और हमको कितने का रिक्वायर है 665 का, ठीक है। एरिया को हमने हाफ किया, ईच फेस के लिए हम निकाल रहे हैं क्योंकि हमारा टोटल एरिया वो इतना है, हाफ करने के बाद इतना है और उसके अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं, तो वो 170 mm स्पेसिंग आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि हमको 12 mm बार प्रोवाइड करना है, कितना है स्पेसिंग में 170 स्पेसिंग में हर एक साइड, ठीक है, ईच साइड में। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो हम यहाँ पे एक चेक करेंगे, ठीक है, चेक फॉर टेंसाइल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट, ठीक है, कि हमारा जो कॉन्क्रीट है वो टेंसाइल स्ट्रेस को रेजिस्ट करने के लिए सक्षम है भी कि नहीं, इसके लिए हम एक चेक लगाएंगे। तो हमारा जो टेंसाइल स्ट्रेस आएगा कॉन्क्रीट पे वो कितना आता है, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, टी अपॉन 1000 टी प्लस एम माइनस 1 इंटू ए एस टी। तो हमारा जो टोटल टेंसाइल स्ट्रेस है वो कितना आ रहा है, 153070, ये हमने हुप टेंशन निकाला था, मैक्सिमम हुप टेंशन इन कॉन्क्रीट पहले ही, ठीक है, और अपॉन 1000 हमारा जो ये थिकनेस है, ठीक है, थिकनेस हम 170 निकाल चुके हैं, वॉल का थिकनेस, मॉड्यूलर रेशियो 13 है हमारा, और ये एएसटी हम देख चुके हैं कि हमारा टोटल कितना रिक्वायर है एएसटी, ठीक है। तो हमको इससे सिग्मा सीटी का जो वैल्यू है वो कितना मिल रहा है, 0.823 मिल रहा है, और हम जैसे कि जानते हैं कोड के अकॉर्डिंग जो हमारा जो वैल्यू होता है, ठीक है, M20 के लिए सिग्मा सीटी का जो वैल्यू होता है वो कितने का होता है, 1.2 होता है। तो फिर हमारा जो टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है कॉन्क्रीट में वो कम है, ठीक है, जो हमारा M20 के लिए होता है उससे, मतलब कि हमारा जो डिजाइन है वो सेफ है, जो इतना हमको आ रहा है, ठीक है, इतना हमको टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है कॉन्क्रीट में, और हमारा जो कितना एक्चुअल बियर कर सकता है जो कॉन्क्रीट है वो M20 ग्रेड का कॉन्क्रीट ले तो 1.2 न्यूटन पर mm2, तो हमारा जो डिजाइन है वो सेफ है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जो हमारा जो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, लेकिन मैंने आपको इसका कुछ प्रूफ नहीं दिया था, तो मैं वही थोड़ा सा आपको देती हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है, तो यहाँ पे जो एरिया होगा वो क्या होगा, हमारा इक्विवेलेंट एरिया होता है, ठीक है, एरिया ऑफ स्टील और प्लस एरिया ऑफ कॉन्क्रीट। यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील को जैसे कि हम सेम टर्म रहेगा तभी ऐड कर सकते हैं, तो हम पहले एरिया ऑफ स्टील को हम कॉन्क्रीट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एरिया ऑफ स्टील इन टर्म ऑफ कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट के टर्म में हमारा जो एरिया होगा स्टील का वो कितना हम लिखते हैं, एम माइनस वन इंटू ए एस टी, और एरिया ऑफ कॉन्क्रीट हमारा क्या हो जाएगा, विथ इंटू थिकनेस हमारा हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों कॉन्क्रीट के टर्म में आ गया, स्टील का जो एरिया वो भी कॉन्क्रीट के टर्म में, और ये एरिया ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है, विथ हम 1 मीटर का लेके चल रहे हैं 1000 mm, और ये थिकनेस ऑफ द वॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एरिया को हम पुट करेंगे एम माइनस वन ए एस टी प्लस 1000 टी, और ये हमारा स्ट्रेस हमारा कितना हो जाएगा, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट हमारा सिग्मा सी टी है, और हमारा जो फोर्स है ये हमारा क्या है, टेंशन है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू ये हमारा स्ट्रेस है और ये जो है एरिया है, ठीक है। तो आपको ये समझ आया तो अच्छा है, नहीं तो आप सीधे ही फॉर्मूला ही याद रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हम हुप टेंशन हम जैसे कि निकाल रहे थे, ठीक है, अभी हम हुप टेंशन निकाले बेस पे, ठीक है, उसके बाद ऊपर हम देखते हैं 2 मीटर ऊपर में हमारा जो हुप टेंशन होगा वो कितना होगा। तो इस फॉर्मूले से हम हुप टेंशन निकालते हैं गामा डब्ल्यू एच इंटू डी बाई टू, हम टॉप से देख रहे हैं, ठीक है, तो फिर एच का वैल्यू जो होगा हमारा 2 मीटर है, गामा डब्ल्यू इतना है, ठीक है, गामा डब्ल्यू और हाइट हमारा जो है 2 मीटर का है और डायमीटर 11.7 है, ठीक है, तो हम इससे एएसटी निकाल लेंगे हमारा, ठीक है, और ये जो है ईच फेस में हमको कितना का रिक्वायर होगा, इसका हाफ रिक्वायर होगा, तो 499 mm², और उसके अकॉर्डिंग हम स्पेसिंग निकाल लेंगे, ठीक है। तो स्पेसिंग ऑफ द रिंग्स कितना आ जाएगा, 220 mm का जो है स्पेसिंग आ जाएगा, 12 mm डायमीटर बार हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और कितने स्पेसिंग पे, 220 mm स्पेसिंग पे। और वैसे ही हम टॉप पे भी निकाल सकते हैं कि हमको टॉप में कितना रेनफोर्समेंट रिक्वायर होगा, फॉर्मूला अगर आप देखेंगे, ठीक है, वहां भी टेंशन आएगा, ठीक है, टैंक है तो उसके लिए फॉर्मूला है गामा डब्ल्यू एच इंटू डी बाई टू। फिर आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो हाइट 0 हो जाएगा टॉप में है तो, लेकिन तो फिर कोई टेंशन ही नहीं आएगा, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है, प्रैक्टिकली देखें तो ऊपर में भी तो आएगा ही आएगा टेंशन। तो उसके लिए हम एक प्रोविजन है कि हमको 0.3% ऑफ स्टील हमको प्रोवाइड करना है टॉप पे, ठीक है, तो फिर एएसटी हमारा क्या हो जाएगा,
परसेंटेज ऑफ स्टील हमारा 0.3% है, तो एएसटी हम एएसटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, एएसटी अपॉन बीडी इज इक्वल टू हमारा पीटी अपॉन 100 है। तो यहाँ पे बी हमारा विथ हमारा है 1000 और डी हमारा जो है थिकनेस है, तो ये 170 mm हम निकाल चुके हैं पहले भी। तो वैसे ही ईच फेस में हम देख लेंगे, तो फिर इसको हाफ कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग हम स्पेसिंग निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम 12 mm का प्रोवाइड करेंगे, तो 12 mm का पाई बाई 4 डी स्क्वायर हमारा कितना 113, और यहाँ पे इंटू 1000 अपॉन एरिया कितने का रिक्वायर्ड है ईच फेस में 255, ठीक है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमको स्पेसिंग आ जाएगा, तो 12 mm डायमीटर का हम थोड़ा कम स्पेसिंग प्रोवाइड कर देंगे सेफ्टी के लिए, तो हमारा 400 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हम निकाल लिए बार्स, ठीक है। उसके बाद हम वर्टिकल, ये तो हम निकाल रहे थे कि सर्कुलर बार, ठीक है, सर्कुलर बार हम निकाल रहे थे, सर्कुलर हुप्स कैसे प्रोवाइड करेंगे। जैसा कि हमने पहले देखा कि कितना हाइट जो है हमारा, जो ये जो हाइट है, ठीक है, ये स्मॉल एच हाइट है, ठीक है, जिस जो हमारा कैंटिलीवर पोर्शन है, तो इसमें हमने पहले कैंटिलीवर मूवमेंट कितना आएगा वो निकाला, उसके बाद जो ऊपर का पोर्शन था एच माइनस एच जो कि उसमें हुप टेंशन आएगा, तो अब हमको उसको हमने निकाला, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बेस पे निकाला जो ये है, ठीक है, इससे ऊपर जो है पानी भरा रहेगा, तो ये इस पे हमने निकाला कि कितना हमारा हुप टेंशन लगेगा। उसके बाद हमने देखा कि 2 meter, ठीक है, यहाँ से टॉप से 2 meter में हमारा कितना हुप टेंशन होगा, ठीक है। अब उसको उसके बाद हम निकालेंगे कि हमारा जो टॉप है, टॉप में उसके बाद हमने देखा कि 0.3% हम ईएसटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कितने नंबर ऑफ बार और उनकी स्पेसिंग क्या होगी वो निकाला, ठीक है। तो वैसे ही हम किसी भी हाइट पे जाके ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमको कितना हुप चाहिए, मतलब कितना नंबर ऑफ हुप चाहिए और कितनी स्पेसिंग पे चाहिए। ये हमारा क्या है, सर्कुलर रेनफोर्समेंट है, ठीक है। वैसे ही हमारा जो रहेगा यहाँ पे, अब टैंक है तो इसमें फिर हमारा वर्टिकल रेनफोर्समेंट भी रहेगा, ठीक है। ये जो है हमारा वर्टिकल रेनफोर्समेंट है, ये हमारा वर्टिकल रेनफोर्समेंट भी रहेगा, तो वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट और वर्टिकल रेनफोर्समेंट में जो हम वर्टिकल रेनफोर्समेंट निकालेंगे, तो आईएस कोड के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जब हमारा थिकनेस है वो 100 mm का है, तो उसको कितना परसेंटेज ऑफ स्टील रिक्वायर्ड है, 0.3% का, और जब हमारा थिकनेस जो है 450 mm का है, तो परसेंटेज ऑफ स्टील हमको कितना रिक्वायर होता है, 0.2% का। तो हमारा यहाँ वॉल का थिकनेस है वो कितना है, 170 mm का है, वो जो हमारा है थिकनेस है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमको कितना परसेंटेज ऑफ स्टील रिक्वायर है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इंटरपोलेट करके निकालेंगे। तो इसको हम कैसे इंटरपोलेट करेंगे, ये सिंपली आप देख सकते हैं इसको कैसे इंटरपोलेट करते हैं, 450 माइनस ये कर देंगे 100 और ये 170 माइनस 100, और इसके अकॉर्डिंग जो करस्पॉन्डिंग, ठीक है, 1450 के करस्पॉन्डिंग हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील है वो 0.2% है, 100 के करस्पॉन्डिंग जो है 0.3% है, और 170 के करस्पॉन्डिंग हमने एक्स लेट किया है, और ये 100 के करस्पॉन्डिंग हमारा 0.3% है। आप किसी से भी किसी को भी माइनस कर सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि इससे इसी को ही करना है, बस आप उसके करस्पॉन्डिंग जो स्टील है, ठीक है, उसको आप ध्यान रखिए, अच्छे से पुट करिए, तो फिर आपका जो वैल्यू होगा इंटरपोलेशन के बाद वो परसेंटेज ऑफ स्टील कितना आ रहा है, 0.28% आ रहा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम एएसटी निकाल सकते हैं, पीटी अपॉन 100 इज इंटू बी इंटू डी, जो हमारा विथ है वो 170, जो हमारा विथ है वो 1 mm का है, 1 meter का है 1000 mm, और जो हमारा डेप्थ, जो हमारा डेप्थ है सॉरी थिकनेस है वो 170 mm का है, तो इससे हमको एएसटी निकल जाएगा। तो फिर हर फेस में वैसे ही निकालेंगे सिमिलरली, तो इसमें क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्टील ऑन ईच फेस उसका हाफ हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम स्पेसिंग निकाल लेंगे, ठीक है। 1000 इंटू यहाँ पे हम 8 mm का डायमीटर का बार प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर हमको कितना एरिया चाहिए वो अपॉन में लिखते हैं, तो ये हमारा स्पेसिंग आ जाएगा 212 mm का, तो हम 8 mm का डायमीटर का बार और 200 mm स्पेसिंग के साथ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा है डिजाइन ऑफ बेस स्लैब, ठीक है। ये आईएस कोड के हिसाब से हमको कितना प्रोवाइड करना है हमको, तो आईएस कोड के हिसाब से हमको नॉमिनल थिकनेस ऑफ द बेस स्लैब कितना होना चाहिए, हमारा 150 mm होना चाहिए। जैसे कि जो हमारा टैंक है वो स्लैब में रेस्ट करेगा, ठीक है, बेस स्लैब में, तो हमको उसको डिजाइन करना पड़ेगा। तो जैसे कि हम 150 mm का
जो है नॉमिनल थिकनेस प्रोवाइड करेंगे, तो उसके लिए हमको परसेंटेज ऑफ स्टील हमारा जो स्लैब में होता है आईएस कोड के हिसाब से वो 0.3% होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एएसटी निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा एएसटी निकल जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हम कितना रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे वो निकाल लेंगे। यहाँ भी हम दोनों साइड प्रोवाइड करेंगे बेस स्लैब में, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। तो एएसटी को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 225 mm स्क्वायर आ जाएगा। यूजिंग 8 mm बार हम यूज करेंगे, ठीक है, तो फिर उसका जो स्पेसिंग होगा वो क्या आ जाएगा, पाई बाई 4d स्क्वायर हम करेंगे 8 mm के हिसाब से, तो उसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 50 आएगी इंटू 1000 अपॉन कितना एरिया रिक्वायर है, तो 220 mm का स्पेसिंग यहाँ से आ जाएगा। तो हम बेस पे कितना प्रोवाइड करेंगे, 8 mm डायमीटर प्रोवाइड करेंगे 200 mm स्पेसिंग के साथ। तो यहाँ पे हमारा जो डिजाइन है वो कंप्लीट होता है। ये जो है हमारा टैंक है, ठीक है, और ये जो है हमारा बेस है। तो फिर इसमें जो है हमारा ये जो है हमारा जो वर्टिकल रेइंफोर्समेंट है उसको हमने एएसटी से डिवाइड किया था, तो हम दोनों फेस में एएसटी को डिवाइड किया था, तो हम एएसटी को बाय 2 से डिवाइड किया था, तो इसलिए हमने यहाँ पे दोनों फेस के साइड हमने रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया है। ठीक है, ये हमारा वर्टिकल रेइंफोर्समेंट है और ये जो है हमारे हुप वाले हैं, हुप वाले रेइंफोर्समेंट है। ठीक है, और ये जो है हमारा स्लैब है, तो इसमें हमने 8 mm डायमीटर का बार प्रोवाइड किया है दोनों साइड में। जो हम फर्स्ट में हम डिजाइन किए थे फर्स्ट लेक्चर में फ्लेक्सिबल बेस के साथ जो टैंक उसको डिजाइन किए थे, तो उसमें जो रेइंफोर्समेंट था, ठीक है, वर्टिकल रेइंफोर्समेंट हमने सिर्फ बीच में प्रोवाइड किया था, इसलिए हमने वहां पे एएसटी को डिवाइड नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे हम दोनों साइड प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए हम लोग हमने एएसटी को डिवाइड किया है। और हमने बेस पे कैलकुलेट किया हुप टेंशन, फिर हमने 2 मीटर पे मतलब बॉटम पे कैलकुलेट किया, उसके बाद टॉप में कितना हमारा हुप टेंशन आएगा और उसके अकॉर्डिंग हमने एएसटी कैलकुलेट किया है। ठीक है, अगर आपको 14 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, बॉटम पे, मिड पे और टॉप पे। लेकिन अगर 7 मार्क्स का आता है और आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप ये जो स्टेप है वो स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आप बॉटम पे निकाल दीजिए, अगर आपके पास टाइम है तो फिर मिड पे निकाल लीजिए। ठीक है, और ये जो लेक्चर है उसके नोट्स मैंने पीडीएफ के फॉर्म में अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप मेरे वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है। ठीक है, तो आपको वहां से मेरे सारे लेक्चर्स के नोट मिल जाएंगे और जो हम टेक्स्ट बुक जो यूज हुआ है सिविल में उसका भी आपको मिल जाएगा, वो बुक भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, इसके बाद हम एक नए लेक्चर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट डे।